हम जानते हैं दत्ता, और राधा भी समझती है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो भौजाई की भलाई के लिए कर रहे हो। दत्ता, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है, और हर मुश्किल घड़ी में हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं। हमें माफ कर दे सरचू, हमने तुझे गलत समझा, बहुत भला बुरा कहा तुझे, हमें माफ कर दे। अदा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। वो लाची बेकाबू हो गई है, मैंने उसे दवा खिलाने की कोशिश की तो वो तोड़फोड़ करने लगी, दवाई फेंक दी और चीख चिल्ला रही है। सर, मुझे तो लगता है वो पूरी तरह पागल हो चुकी है। लेकिन रिपोर्ट्स तो उसकी बिल्कुल ठीक है, कहीं भी उसके दिमाग में कोई खराबी है ये नजर नहीं आता। लगता है उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसे वो भूल नहीं पा रही है, और सदमे में और अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। हाँ सर, सही कह रहे हैं आप, तभी तो वो गुड्डे को बच्चा बच्चा कैसा चिपकाए घूमती है। लेकिन ये सब करने से पहले हमें उसके परिवार से इजाजत लेनी होगी। आप फोन लगाओ उसके घर पे जरा। ठीक है सर, मैं भी बात करती हूँ। हेलो। हेलो जी, मुझे केशु मल्ला से बात करनी है, उनकी पत्नी लाची के बारे में। सर, लाची की सास से बात हो चुकी है, उन्हें इलाज में कोई आपत्ति नहीं है, वो तो बस अपनी बहू को ठीक देखना चाहती हैं। ठीक है, जब उसके परिवार से इजाजत मिल गई है तो इलाज में देरी नहीं करनी चाहिए, तैयारी करो जल्दी। किसका फोन था, किसके इलाज की बात हो रही थी? वो पागलखाने से फोन आया था। देखते हैं कि राधा इस घर से बाहर कैसे जाती है। फूल मणि की नजरों से बचकर चींटी नहीं निकल सकती, तो राधा क्या चीज है?